हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गाजर से बनने वाला बहुत ही टेस्टी ग्लेज कैरेट केक की रेसिपी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ग्लेज कैरेट केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में डालूँगा मैं हाफ कप योगर्ट यानी दही। अब इसमें डालूँगा मैं हाफ कप पाउडर चीनी। अब इसमें डालूंगा मैं 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारी चीनी है वो अच्छे से घुल चुकी है। अब इस पर रखूंगा मैं एक छलनी। इसमें डालूंगा मैं 1.5 कप रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा। अब इसमें डालूंगा मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन सभी को मैं अच्छे से छान लूँगा। तो सभी को मैंने अच्छे से छान लिया है और विस्कर की सहायता से मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दूँगा। तो हमारा बैटर है वो अभी गाढ़ा है। इसमें डालूँगा मैं 1/2 कप मिल्क यानी दूध और इसको मिक्स करते हुए अच्छे से इसका एक पतला सा यानी कि इसका एक बिना गुठलियों वाला बैटर हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा अच्छा सा केक का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें डालूंगा मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इसमें डालूंगा मैं 1/2 कप ग्रेटेड कैरेट्स यानी कद्दूकस की हुई गाजर। अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगा। तो हमारा बैटर है वो हल्का सा गाढ़ा है, इसलिए अब इसमें डालूंगा मैं 2 टेबलस्पून दूध। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। अब इसमें डालूँगा मैं 1 टीस्पून विनेगर यानी सफ़ेद सिरका। आप चाहे तो या लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं फिर से हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो ध्यान रहे, विनेगर डालने के बाद हमें इसे जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है। तो हमारा बैटर वो एकदम रेडी हो चुका है। यहाँ पर केक को बेक करने के लिए हम केक टिन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने राउंड शेप का 6 इंच का केक टिन लिया है। इसको मैंने रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसमें लगा दिया मैंने एक बेकिंग पेपर। आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर सकता हूँ कर दूँगा। तो इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। हमारा केक टिन रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगा मैं हमारा केक का बैटर। तो मैंने इसमें सारा केक का बैटर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको मैं 2 से 3 बार टैप कर दूंगा ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहें। अब इसको मैं बेक करूंगा प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर लगभग 30 से 35 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा केक बेक होता है हम यहाँ पे ग्लेज कैरेट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लाइस किए हुए गाजर लिए हैं। एक मीडियम साइज़ की गाजर को मैंने स्लाइस कर लिया है। उसको धोकर अच्छे से छील कर फिर से धोकर तब इस यहाँ पे रख दिया है मैंने गैस पर पैन। उसकी फ्लेम को कर दिया है मीडियम। इसमें हम गाजर के स्लाइस को इस तरह पैन में रख देंगे। अब इसमें डाल दूंगा मैं 1/4 कप पानी। इसमें डाल दूंगा मैं लगभग 1 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद सिरका। इसमें डालूंगा मैं पिंच ऑफ सॉल्ट यानी थोड़ा सा नमक। अब इसमें डालूंगा मैं 1 टीस्पून चीनी। अब इसको हम ढक देंगे और एकदम हाई फ्लेम पर हम इसे इसी तरह पानी को रिड्यूस होने तक उबालते रहेंगे यानी इसे कुक करते रहेंगे। तो पानी हमारा एकदम रिड्यूस हो चुका है यानी एकदम ख़त्म हो चुका है। हमारे ग्लेज कैरेट तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसका स्लाइस कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको हम इसी तरह ढक कर छोड़ देंगे गैस की फ्लेम को बंद करके। तो हमारा केक भी रेडी हो चुका है। इसको हमने लगभग आधा घंटा के लिए ठंडा कर लिया है। अब चाकू की सहायता से हम इसके किनारों को अलग कर देंगे। तो किनार को मैंने इसके अलग कर लिया है। अब एक प्लेट में हम इसे पलट लेंगे। इसका बेकिंग पेपर भी हटा देंगे। अब इस केक को हम पलट देंगे। तो हमारा केक है वो रेडी हो चुका है। अब इसका जो ऊपर का फूला हुआ पार्ट है इसको मैं हरदार हटा देता हूँ। तो इसके ऊपर का पार्ट मैंने हटा दिया है।
अब इसके किनारों पर मैं लगा दूंगा ग्लेज की हुई कैरेट यानी ग्लेज कैरेट। हमारा केक अब एकदम रेडी हो चुका है। तो इस केक को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया केक बोर्ड पर। अब मैं आपको केक को कट करके दिखाता हूँ कि हमारा केक कितना सॉफ्ट और एकदम टेस्टी बना है। तो दोस्तों काटने पर आपको पता चल रहा होगा कि हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।